महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी गई एक चिट्ठी से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग रखी है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ याचिका में अपने ही बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का जिक्र किया है। शुक्ला ने कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अपनी याचिका में सिंह ने कहा है कि इस बारे में पक्की जानकारी है कि टेलीफोन पर हुई बातचीत सुनने के बाद तब स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रही रश्मि शुक्ला ने ट्रांसफर पोस्टिंग में अनिल देशमुख की हरकतों की जानकारी पुलिस महानिदेशक को दी थी। उन्होंने यह बात महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताई। सिंह का दावा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अर्थात रश्मि को पद से हटा दिया गया। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की वह रिपोर्ट जारी की है जिसमें बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के ऑडियो सबूत थे। फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मिलकर उन्हें 6.3 GB डेटा देने की बात कही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला की यह रिपोर्ट सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी थी लेकिन सीएम ने एक्शन नहीं लिया। कौन है रश्मि शुक्ला, आइए जानते हैं। रश्मि शुक्ला और परमबीर सिंह दोनों 1988 के आईपीएस बैच से हैं। फिलहाल वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर कार्यरत हैं। इससे पहले वह डीजी सिविल डिफेंस के पद पर थी। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर होने के दौरान उन्होंने अनिल देशमुख को लेकर शिकायत की थी। उससे पहले वह पुणे के पुलिस कमिश्नर का पद भी संभाल चुकी हैं। आपको बता दें कि देशमुख के गृह मंत्री बनने के बाद रश्मि शर्मा के अलावा मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे सुबोध जायसवाल भी अब केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्हें पिछले साल दिसंबर में सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया था। उन्होंने फर्जी स्टैम्प घोटाला मामले में एसआईटी का चीफ रहते हुए मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आरएस शर्मा को रिटायरमेंट से एक दिन पहले अरेस्ट किया था। उस केस में एनसीपी के ही छगन भुजबल जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे जेल गए थे। आखिर सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं परमबीर सिंह, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सिंह के तबादले को सही बताया था। सिंह ने अपने तबादले के आदेश को अवैध और मनमाना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सबूत नष्ट होने से तुरंत पहले तत्काल सीबीआई जांच करवानी चाहिए। अपनी याचिका में कहा कि फरवरी 2021 से देशमुख पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सचिन वाजे और एनसीपी सोशल सर्विस ब्रांच संजय पाटिल जैसे अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे। आपको बता दें कि दावा है कि देशमुख ने उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य दिया था। सिंह ने देशमुख के आवास के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत कब्जे में लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है। वहीं याचिका के अनुसार अनिल देशमुख कई जांचों में दखल दे रहे हैं। वे पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि वे एक खास तरीके से जो वे चाहते हैं वैसा करें। देशमुख ने पद का दुरुपयोग करके इस तरह की सारी कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच जरूरी है। आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।